स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Vivo Z1 Pro की। तो करते हैं इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी फुल डिटेल्स। ये है Vivo का बॉक्स और मैन कुछ हाइलाइट्स दी हुई हैं जिनमें लिखा हुआ है Snapdragon 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 32 MP इन डिस्प्ले पंच होल कैमरा, 5000 mAh 18W फास्ट चार्जिंग और ट्रिपल AI कैमरा सेटअप है और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम साइड की अगर इसमें बात करें तो क्लब ओपन पबजी मोबाइल लिखा हुआ है इसमें, तो पबजी के साथ शायद कुछ पार्टनरशिप वगैरह होगी। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक एक बार और देखते हैं हम अपने कंप्लीट पैकेज को। ये हो गया है हमारा बॉक्स अनबॉक्स। सबसे ऊपरी ऊपर हमें मिलता है ये एक अलग ही कलर के अंदर बॉक्स, जिसके अंदर है ये एक पेपर वर्क जिसका कोई काम नहीं है, ये एक सॉफ्ट केस अपने मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए। और अब हमें मिलती है हमारी मेन यूनिट। ये है मेन यूनिट, थोड़ी सी हैवी लगती है, 5000 mAh की बैटरी है। सुबह से इसको भी रखते हैं एक बार हम साइड में। और ये है IMI नंबर के स्टिकर्स। और उसके बाद में हमें मिल जाता है ये एक USB टू माइक्रो USB केबल। अगर इस प्राइस में हमें, मतलब अगर टाइप सी मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये है एक 18W का फास्ट चार्जर एडेप्टर जो कि इस फ़ोन को जल्दी से देगा एक एनर्जी। और ये है हमारे पास एक ईयरबड्स जो कि 3.5 mm जैक के साथ आते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये हो गया हमारा कंप्लीट एसेसरीज़ का पैकेट। अब हम इसकी बात करते हैं फ़ोन की, तो इसको प्लास्टिक रैप उतारते हैं। और ये जो कलर है, वाह, एकदम शाइनी कलर्स, सोलार ब्लू कलर। और अगर हम फ़ोन को ऑन नहीं करते हैं तो हमें कैमरा डायरेक्टली यहाँ जो 32 MP का सेल्फी कैमरा है वो दिखाई दे रहा है, और एक पतली सी प्रोटेक्शन फिल्म है वो फ़ोन पे पहले से लगी हुई है। और पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो हमें मिल जाता है ऊपरी ऊपर हमारा प्राइमरी कैमरा, उसके नीचे ड्यूल कैमरा और उसके नीचे नीचे LED फ्लैश। साइड में हमें मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर और नीचे नीचे मिल जाती है वीवो की ब्रांडिंग। अगर हम फ़ोन के राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में हमें मिल जाता है पावर बटन, और पावर बटन के ऊपर की तरफ हमें मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स। अब अगर फ़ोन की हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है एक और बटन जो कि है गूगल असिस्टेंट के लिए। और अगर हम फ़ोन के नीचे की तरफ की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है 3.5 mm जैक, उसके बगल में मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, सेंटर में मिल जाता है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट के लिए जगह, और राइट साइड में मिल जाती है हमें स्पीकर ग्रिल। तो अब एक बार हम लेफ्ट साइड में हैं वो सिम ट्रे ओपन करके देखते हैं कि ट्रिपल स्लॉट है या डबल स्लॉट है। बिल्कुल इसमें है ट्रिपल स्लॉट। ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें अपनी फिंगरप्रिंट, ये हो गई है फिंगर कंप्लीट। अब हम साइड की ग्रिप लगाते हैं, ग्रिप भी कंप्लीट। अब हम फेस ऐड करते हैं, और फेस हो चुका है फटाफट ऐड। ये हो चुका है अपना फ़ोन कम्प्लीटली बूट। अब हम सबसे पहले जाते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद में हम जाते हैं अबाउट फ़ोन में, और अबाउट फ़ोन में चेक करते हैं क्या है मॉडल नंबर वगैरह। मॉडल नंबर है फ़ोन का वो है Vivo 1951, और AMI नंबर दिए हुए हैं, उसके नीचे एंड्रॉयड वर्जन है वो है 9 Pi। अगर प्रोसेसर की हम बात करें तो ये है 2.3 GHz स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन 710 से थोड़ा सा अच्छा है, बेटर है उससे। और रैम है वो है 4GB की, फंटस OS 9 पे काम करता है, और सिक्योरिटी पेज लेवल है वो है जून का। उसके बाद में हम आगे जाते हैं, बैटरी है वो डिस्चार्जिंग है, और बैटरी की एक खास बात ये भी है 5000 mAh की बैटरी जो है उसके साथ साथ में ये है रिवर्स चार्जिंग के साथ। इस फोन, ये फ़ोन एक पावर बैंक की तरह भी काम कर सकता है, वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा अभी। और उससे पहले हम चेक करते हैं इसका एक बार छोटा सा सिक्योरिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं फिंगरप्रिंट। फिंगर लगाते ही एकदम, ये देखना मैं आप ये लगा रहा हूँ, ये लगाया, लगाते ही ओपन, बंद किया, लगाते ही ओपन, तो फिंगरप्रिंट अब वो काफ़ी क्विक है। अब अगर मैं फेस की बात करूँ तो फेस भी एकदम क्विक फेस है। मैं इसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहा हूँ और लॉक स्क्रीन भी नहीं आती है। दोबारा ट्राई करते हैं, बिल्कुल लॉक स्क्रीन भी नहीं आती है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। अब करते हैं इसका एक छोटा सा कैमरा टेस्ट, और कैमरा टेस्ट मैं देखना चाहूँगा, सबसे पहले इसमें सेल्फी कैमरा देखना चाहूँगा कैसा दिखाई देता है। और ये मैंने एक फ़ोटो क्लिक की है, और डिटेल्स की जहाँ तक बात है
काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। तो अब एक बार इसका रियर कैमरा और चेक करेंगे हम, और रियर कैमरा में हम देखना चाहेंगे कि कैसी क्वालिटी है वो हमें व्यू दे रहा है इसमें। और ये हमने एक रैंडम फ़ोटो क्लिक की है और बिल्कुल एक एक पॉइंट्स है, पिक्सल है, एक एक पिक्सल हमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी बात है, मतलब कैमरा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। कॉम्प्रोमाइज़ इस फ़ोन में है वो किया गया है डिस्प्ले में। डिस्प्ले और मच बेटर हो सकती थी अगर सुपर एमोलेड होती है। ये दी गई है हमें एक IPS LCD डिस्प्ले जो कि कुल मिला के ठीक है, लेकिन इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया हमें। अगर प्रोटेक्शन और होता इसमें तो वो एक काफ़ी अच्छी बात होती। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये जो प्राइस है इसकी 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 15,000 रुपये। तो मेरे हिसाब से ये 15,000 रुपये में बेस्ट फ़ोन है। इससे अच्छा फ़ोन शायद ही हो, रेडमी नोट 7 प्रो भी हो सकता है, रियलमी 3 भी हो सकता है, लेकिन रियलमी 3 से ये बेटर है। बैटरी के मामले में ये काफ़ी शानदार है। अब मैं इसका एक बैटरी का रिवर्स चार्ज है वो और चेक करके देखता हूँ अगर होता है या नहीं होता है। तो देखिए आगे आप, सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूँ रिवर्स चार्जिंग के लिए, और उसके बाद में कनेक्टर ऐड करता हूँ और देखता हूँ ये फ़ोन चार्ज होता है या नहीं। नहीं, ये फ़ोन है वो चार्ज नहीं हो रहा है। चलो मैं दूसरा फ़ोन ट्राई करके देखता हूँ। ओके, ये चार्ज हो नहीं रहा है, ये चार्जिंग ले रहा है। इस फ़ोन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चार्जिंग का जो है वो लोगो आ रहा है कि ये फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है। मतलब इस ये फ़ोन है ये रिवर्स पावर बैंक का काम कर रहा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये जो फ़ोन है मेरे पास ये है नूबिया का, नूबिया N1, ये भी रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। चलो मैं दूसरा ट्राई करता हूँ, दूसरा फ़ोन ट्राई करता हूँ मैं, उसमें देखते हैं। मैंने दूसरा फ़ोन लगाया है लेकिन शायद ये मेरी जो डाटा केबल है ये सही नहीं है, माइक्रो यूएसबी वाली सही नहीं है। मेरे पास जो टाइप सी की है, टाइप सी वाली सही है। तो ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और यही इसमें था, इस फ़ोन का सब कुछ जो भी था। और जो इस फ़ोन को ख़ास बनाते हैं वो है इसका एक तो ये पंच होल कैमरा डिज़ाइन जो कि काफ़ी शानदार है। जैसे हम इसमें कुछ भी और सेटिंग वगैरह ओपन करते हैं तो हमें काफ़ी शानदार कूल लगता है एकदम से। तो ये एक बहुत बहुत ही शानदार चीज़ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।